सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खेलों में महिलाएं कितना योगदान दे रही हैं, फिर भी सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे पानी भर जाता है, बंदर है, खारा पानी आता है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी क्या खाएगा भाई, जो जो वाला तो कुछ खा लेगा। कामरेड ओम प्रकाश को वोट देंगे अपना, हमारा वोट उनके साथ है। कुछ परिवार तो अब ऐसे करने लगे, नहीं नहीं तुम्हें गेम में बिल्कुल भी नहीं जाना। अब ये एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, विग्नेश फोगाट को देख लो, उसने इतनी मेहनत की, क्या करोगे तुम, तुम्हारे साथ भी ऐसी हरकतें होंगी। बच्चे वैसे ही फिरते रहते हैं, पेपर दे आते इतनी इतनी दूर जाते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं, क्या करे बच्चे। रोजगार तो फिर अब रोजगार तो खत्म ही कर दिया जी, है ही नहीं बच्चे के लिए रोजगार। सर हमारे यही मुद्दे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, ठीक है, और शिक्षा है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसका स्तर अच्छा होना चाहिए। अब शिक्षा ऐसी आ रही है, बच्चे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, उन पे बर्डन इतना आता जा रहा है। जो महिला का साथ, जो लड़कियां साथ, जो डॉक्टर, जो खुद डॉक्टर है उसके साथ, ये सरकार मोदी कहाँ था उस टाइम, ये बताओ। जो डॉक्टर का साथ ये है तो हमारी आम लड़की है, ये कहाँ सुरक्षित है, ये बताओ आप। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी भिवानी शहर के, भिवानी विधानसभा की भिवानी शहर के फ्रेंड्स कॉलोनी में हैं। हमें लगता है कि आधी आबादी इस देश की महिलाएं, आधी आबादी इस दुनिया की महिलाओं की है, लेकिन आज भी ज़्यादातर टीवी चैनल हो या हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स हो, महिलाओं के सवाल कोई सामने नहीं लाता है। मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं के सवाल किसी भी चुनाव में, महिलाओं की राय जाननी बहुत ज़रूरी है और कई कारणों से वो बातें सामने नहीं आ पाती हैं। हम बहुत बहुत यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी की महिलाओं से शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारे लिए आई हैं हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जी नमस्ते बहन जी, आप पहले बोलेंगे? अच्छा चलिए जी बहन, नमस्कार। नमस्ते जी बहन जी, आप यहीं रहते हैं? यहीं। आप क्या गृहिणी हैं? गृहिणी। गृहिणी, हाँ जी। तो ये बताइए, 10 साल आपके यहाँ, तो अभी चुनाव का माहौल है, 10 साल ये रहे हैं इस सरकार के, अभी फिर से वोट मांगने आएंगे, आ ही रहे होंगे, कैसे रहे हैं आपके लिए 10 साल? किचन का जो आपका गृहिणी हैं, आपके लिए बहुत सारे घर का बजट भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, आपके लिए कैसे रहे? देखते महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर हो रहा है इतना महंगा, सारी चीज महंगा, सब्जी चांद पर जा रही है। नहीं सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 रुपये तो लहसुन है, क्या खा ले कोई, ये बताओ। मूली तक भी आज पूछी 60 रुपये किलो, बोलो उन्हें कोई रुपया किलो नहीं पूछता। एक बार पानी नहीं आता, पानी की भी बहुत दिक्कत। हाँ पानी की दिक्कत, मीठे पानी की, खारा पानी देते हैं हम, एक एक गली में बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है, इतना पानी। और पीने के पानी की तो कई लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि मतलब पीने का पानी, हमारी तो गली की भी समस्या है। और बंदर बहुत आते हैं। अच्छा बंदर बहुत आते हैं, ये दाड़े के खेल लगे। अच्छा ठीक है। और पहले कहाँ वोट करते थे बहन जी, वोट कहाँ कर रही थी? अब पहले आप तो पड़ोसियों के साथ थे, देखो जी। अच्छा नहीं, पड़ोसी और आप लोग कहाँ जाते थे पिछली बार? पिछली बार तो जो खट्टर पर गरीब, भाजपा में सर पहले तो बीजेपी को दिया था, पर वही है, कोई काम तो हो नहीं रहा, मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही मार दिया गया है, ना तो उनके लिए जॉब है और घोटाले चलते रहते हैं, वही है, किसी के तो छिप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ना तो जॉब है, हम तो प्राइवेट तो जॉब करते हैं सर, ठीक है, गली में है, गली में इतना पानी भर दिया जाता है यहाँ पे बारिश के टाइम पे, ना पीने के पानी की सुविधा है यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका सर। प्रियंका जी आप कितना पढ़े हैं? सर मैंने एमएससी बीएड कर रखी है। एमएससी बीएड कर? यस। लेकिन अभी भी आपको? नहीं कोई जॉब नहीं है सर, हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अप्लाई किया, मतलब वैकेंसी खुली नहीं है? वैकेंसी खुली नहीं है जी, अब जेबीटी के, जेबीटी की 10 साल में अब खुली है, और अभी भी वो भी मेवात की खुली हुई है। अच्छा आपके साइड खुली? नहीं बिल्कुल, इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, बीजेपी ने तो मतलब कुछ किया ही नहीं है। अब घनश्याम सराफ जी, उन्होंने अपने सेक्टर का ही कुछ नहीं कर रखा सर। अच्छा। सेक्टर का हाल ही ऐसा है, बारिश में जाने लायक है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो आप बीजेपी के साथ पहले थे आप कह रहे हैं? पहले बिल्कुल थे सर, पर अब नहीं। हम अब क्या सोच रहे हैं? तो सर कामरेड ओम प्रकाश को वोट देंगे अपना, हमारा वोट उनके साथ है।
क्यों आपको कॉमरेड ओम प्रकाश से क्या उम्मीद लग रही है? उन्होंने मतलब पीछे भी काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे इंसान है सर वो। अच्छा, हाँ जी, छवि अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी छवि है सर, करेक्टर बहुत अच्छा है उनका, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। क्या इधर भी आपको महिला सुरक्षा के सवालों को लेकर कुछ चीजें सुधरती हुई या खराब होती हुई दिखी? खराब ही होती जा रही है सर, मतलब मामले ही पूरा बिगड़ता जा रहा है, कोई कुछ देख नहीं रहा। पुलिस है, पुलिस भी ढंग से काम नहीं कर रही अपना, वही सब पैसा खिला देते हैं, अपने काम कोई अच्छे से कर ही नहीं रहा है। पैसा चलता है सर, बोलते हैं पैसा नहीं चल रहा, सारी जगह चल रहा है पैसा। ठीक, मतलब भ्रष्टाचार आप कह रहे हो बड़ी? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। चलिए आइए, और कौन बात करेंगे? आप बात करेंगे? नमस्कार बहन, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, आप क्या करते हैं? मैं मास्टर इन सोशल वर्क किया और फिलहाल मैं एनजीओ में जॉब कर रही हूँ। एनजीओ में जॉब कर रहे? कौन सी एनजीओ में? संगनी सहेली एनजीओ है। महिलाओं के सवाल जी, पर काम करते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं जी। तो बताइए, आप एक एनजीओ में काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण के सवाल पर काम कर रही है, कितना आपको लगता है कि आप लोगों का जो काम है, और मुझे लगता है किसी भी देश की असली तरक्की, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं किसी भी देश की असली तरक्की का मापदंड मानता हूँ कि इस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है, तो आपको क्या लग रहा है इस सरकार में जो आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसका कितना आप असर या मदद आप लोगों को लगता है कि आप लोग का काम आसान हुआ है इस सरकार के दौरान या मुश्किल हुआ है, कैसा रहा? देखो, इस सरकार के दौरान तो कोई काम आसान नहीं हुआ, सब मुश्किल ही हो रहा है। आप जैसे हम गांव में जाते हैं या फील्ड पे जाते हैं तो कुछ महिलाएं तो बेचारी ऐसी हैं, बोल भी नहीं पाती, वो मैन एम्पावरमेंट कहाँ से हुआ मिले अशिक्षित। कुछ आदमी तो ऐसे उनको महिलाओं को बेचारे को बाहर ही नहीं निकलने देते, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। जैसे सरपंच बना दी महिलाओं, काम तो हस्बैंड करता है और नाम उनका चलता है। आप जी, अब आप ही देख लो, खेलों में महिलाएं कितना योगदान दे रही हैं, फिर भी सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। ये मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, आपने खेलों की बात करी और ये देश के गौरव की बात थी कि कई सारी महिलाएं मेडल भी लाईं, आपके हरियाणा से तो मतलब ज़्यादातर मेडल तो या महिलाएं या हरियाणा की औरतें ही लाती हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि एक ये सवाल है जो कई लोगों को, हम लोग तो खैर हरियाणा के नहीं हैं, लेकिन थोड़ा चुपती थी ये बात जब हमारी पहलवान जो वहाँ से मेडल जीत कर लाई थी वो यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही थी और उन पर मतलब उनको घसीटा गया, उनके साथ मारपीट भी की गई। अब विनेश फोगट का ही देख लो, विनेश फोगट की मैं बात जी, कर रहा हूं। जी बिल्कुल, उन्होंने इतनी मेहनत की है फिर भी उनको मेडल से बाहर कर दिया सिर्फ थोड़े से कुछ कारणों की वजह से, कुछ ये ग्राम की बात, कुछ ग्राम की ही बात थी। ये सब बीजेपी ने दंडोली की है, इसके कारण ही तो ये सब कुछ हुआ है। अगर हमारे देश बीजेपी मान ले कोई भी साथ होता तो ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ ना कुछ तो कारण है ही, तभी सरकार ने ऐसा काम किया है। तो ये मुझे बताइए आप, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक बात है, लेकिन ये मुझे बताइए आप कि विनेश फोगाट का जो पूरा संघर्ष रहा था बॉर्डर पे, उसका कितना असर यहाँ पर महिलाओं पर है? बहुत ज़्यादा असर हुआ है सर। कुछ परिवार तो अब ऐसे करने लगे, नहीं नहीं तुम्हें गेम में बिल्कुल भी नहीं जाना। अब ये एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, अभी विनेश फोगाट को देख लो, उसने इतनी मेहनत की, क्या करोगे तुम, तुम्हारे साथ भी ऐसी हरकतें होंगी, तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये बहुत दुखद बात है कि मतलब जहाँ एक तरफ गर्व था कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं घर से, मेडल जीत रही हैं देश के लिए, विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, लेकिन आज जो उदाहरण बन गई थी महिलाओं के लिए, लेकिन आज जो सरकार का रवैया रहा है तो उदाहरण दूसरा ही बन गया कि अब जब महिलाओं को रोक रहे हैं। पहले अब लड़कियां बहुत ज्यादा गेम में चली गई थी, हालांकि वो 10वीं प्लस 2 के बाद भी गेम में इतना इंटरेस्ट लेने लगी थी, और अब दोबारा वो अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की तरफ चल दी है, हालांकि गेम को छोड़कर। इस भय के कारण भी तुम्हारे साथ भी शोषण हो जाएगा, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ये बेमानी हो जाएगी, ये सब सारी। तो ये बताइए, महिलाएं फिर इस बार, पिछली जैसे बहन जी ने भी बताया पिछली बार तो कई महिलाएं यहाँ बीजेपी के साथ थी, आपका भी रुझान वही था पिछली बार? जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ है, लेकिन अब की बार बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? नहीं नहीं। किधर सोच रहे हैं यहाँ पर? हम ओम प्रकाश के साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे किसानों के आंदोलन में उन्होंने बिल्कुल साथ दिया था टोल पे बैठ के, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जैसे आशा वर्कर बैठी थी उनका बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हर चीज में, हर धुंधोली से उन्होंने बचाकर हर काम किया, तो हम उनके साथ ही हैं, न कि बीजेपी के साथ। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, हम लोग किसान आंदोलन जब हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर होता था, टिकरी बॉर्डर हम अक्सर जाते थे,
और बड़ा अच्छा लगता था कि हरियाणा से इतनी महिलाएं उस आंदोलन में आती थी, क्योंकि हरियाणा की महिलाओं के बारे में तो बोला जाता था कि भाई चूल्हे चौके से आगे निकलने नहीं देते हैं, लेकिन बड़ा हमको भी उत्साह होता था उनको देखकर। आप में से किसी ने वो किसान आंदोलन का हिस्सा रहे थे आप लोग कभी, यहाँ टोल प्लाजे पर या टीकरी बॉर्डर पर आप में से कोई किसी का जाना हुआ था? नहीं। अच्छा, यहाँ के नहीं, यहाँ किसान परिवार से उस तरह से नहीं है आप लोग, हाँ अलग हैं। ठीक है, आप बताइए जी, आप क्या करते हैं? गृहिणी है जी। गृहिणी हैं आप, तो बताइए जी, 10 साल आप गृहिणी हैं, घर के बजट जो संभालने होते हैं ये सब आप ही का ही काम होता है, कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा? मुश्किल ही रहा है जी, तो सब कुछ महंगा हो गया, इसमें बजट कहाँ से संभलेगा, सिलेंडर देख लो, सब्जी देख लो भाई, और सारी चीज सब कुछ महंगाई है। अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? दो। दो हैं, क्या उम्र है अभी? लड़की 27 साल की है, लड़का 23 साल का। तो लड़का 23 साल का है, लड़की 27 साल। रोजगार का क्या स्थिति है, उनके लिए क्या स्थितियाँ रही हैं? कुछ रोजगार नहीं जी, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। बहन जी क्या कह रहे थे? कोई रोजगार नहीं है जी, 3 बच्चे हैं, पढ़ भी अच्छे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है अभी तक। है? क्या उम्र है बच्चों के? बच्चों के लड़का 28 साल का, 27 साल का हो गया, लड़की 27 की होगी, एक MSc कर रही है, अभी तक कुछ नहीं है रोजगार, पेपर दे लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है? क्या करे बच्चे फिर, या तो पेपर लीक की भी बड़ी दिक्कत, हाँ, दिक्कत है। अब CET को देख लो सर, कितने दिन हो गए, एक बार पेपर लेते हैं फिर दोबारा कैंसिल कर देते हैं, फिर पेपर, यही बस पैसे बैठने का काम है उनका, कोई और काम नहीं है उनको। अब नए CET के फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए नवंबर से, वो जो पीछे हुए थे उनका तो कुछ है नहीं समाधान, अब नए CET फिर कर दिया, इसका मतलब तो ये क्वालिफाई करो, दोबारा पेपर दो, कोई जॉब तो है नहीं, किसी के लिए नहीं है रोजगार, तो बच्चे वैसे ही फिरते रहते हैं, पेपर दे आते इतनी इतनी दूर जाते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं, क्या करे बच्चे, रोजगार तो फिर अब रोजगार तो खत्म ही कर दिया जी, है ही नहीं बच्चे के लिए रोजगार जी। बहन जी आपके लिए कैसे रहे हैं 10 साल? बहुत मुश्किल रहे, बहुत मुश्किल हैं जी। कोई खुश नहीं है सरकार से? खुश रहनी तो कोई खुश है ही नहीं जी, रहनी कोई खुश नहीं, महंगाई की बहुत, महंगाई के कारण इतने इतने बालक पट के घरां बैठ जाए वो के बस, तो और उम्मीद थी कि बालक, हां उम्मीद थी लगेंगे बालक, लगेंगे बालक, उम्मीद छूटने लग रही वा, छूटने लग रही है जी, नहीं नौकरी लगे तो। तो बहन जी पिछली बार आप कहाँ, भाजपा के साथ गए थे कांग्रेस के साथ? हाँ, तुम्हारे परिवार के साथ, परिवार किधर था? परिवार के भाजपा के साथ, पिछली बार कांग्रेस के साथ, इस बार कांग्रेस के साथ। ये जो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, इनका कैसा आपको काम लगता है? अच्छा लगता है जी, अच्छा काम है, बताते हैं बढ़िया, 2-3 बार प्रोग्राम में भी गए हैं। अच्छा आप गए हैं? हाँ गए हैं जी, अच्छा अच्छा भाषण है, अच्छा कहते हैं, बोलते बढ़िया है सारे काम। आप बहन जी कुछ कह रहे थे? गला खराब हो रहा है जी। अच्छा। हम तो ये कह रहे हैं, ओम प्रकाश पहले दिन यहाँ आए थे, कुछ पूछ के गए थे, हमारे लाइट नहीं थी, ये लाइट नहीं लग रही थी, दूसरे दिन लाइट लगवा दी उन्होंने। अच्छा, मतलब संघर्षी है? हाँ, संघर्षी है, हाँ, जहाँ भी बुलाओगे वहाँ जाएंगे, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके साथ है, सबके साथ, हाँ, जो कोई जात पात का भेदभाव नहीं, 36 बिराद सबके साथ है जी। हमारे पानी भर जाता है, बंदर है, खारा पानी आता है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी क्या खाएगा भाई, जो जो वाला तो कुछ खा लेगा, 80 रुपए टमाटर, 50 रुपए प्याज, गरीब आदमी क्या खाएगा ये बताओ। हमारे बच्चे बाहर पेपर देने जाते हैं, दूसरे दिन लीक हो जाते हैं, एक पेपर अगर 5000 रुपए लगते हैं जी, एक पेपर देने जाता है, छोटे बच्चे भी हैं साथ, किसी का 1.5 महीना बच्चा है, किसी का 2 महीना बच्चा है, और वो पेपर लीक कर देता है, दोबारे दे, दोबारे फार्म भरे, दोबारे पेपर नहीं आ जाए, कितनी दिक्कत होती है। और जो बनी है बच्चा, जो पूरे पढ़े लिखे बच्चे इसकी सरकार में, और 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं जी, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो 10-10 हज़ार की, 10 हज़ार में आज के टाइम क्या खा लेंगे ये बताओ, जिसका मकान है, जिसका कुछ जुगाड़ है वो खा लेगा, आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से खा लेगा, आप ये बताओ। तो ये आपके ये चाहिए हमारे बच्चे, जॉब मिले, महंगाई को कम करो, जो महिला के साथ, जो लड़कियां साथ, जो डॉक्टर, जो खुद डॉक्टर है उसके साथ, ये सरकार मोदी कहाँ था उस टाइम ये बताओ, जो डॉक्टर के साथ ये है तो हमारी आम लड़की है, ये कहाँ सुरक्षित है ये बताओ आप।
महिला सुरक्षा की जब बात, डॉक्टरी पे भी कुछ माँ बाप ने लगाया होगा, भेजा होगा, और पीछे से जो दिल्ली था वो जो कुछ है वो था, कोचिंग सेंटर था, उसमें भी नाले में जो लड़कियां पानी चला गया, ये किसका ध्यान है जी? सरकार का होगा, काम आदमी आ गया है, जो अपनी बेटा बेटी ने बाहर भेजा है तो सरकार की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये बताओ बस, ये चाहूँ तो जी। अच्छा एक चीज बताइए कि पिछले सालों में ये भी हमने बहुत देखा है कि धर्म के नाम पर भी कई जगह हिंसा भी हुई है, कभी गौ रक्षा के नाम पर, बाकी चीज़ों पर, यहाँ पर एक ये धारणा बन गई है कि हरियाणा के बारे में धारणा बन गई है कि यहाँ पॉलिटिक्स जाट नॉन जाट होती है, तो क्या ये आप लोग जो हैं अलग अलग समाज से हैं, क्या ये जो आपकी राय है साथ जो आप सब बैठे हैं, या एक ही जाति के ज़्यादातर लोग हैं, क्या हैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा मुझे अगर बताएं, ये जाट नॉन जाट बोलें या हिंदू मुस्लिम बोलें, तो क्या इसका कितना असर आप महिलाओं पर होता है? कोई असर नहीं मारे पे। अच्छा, हम सब एक जात कई है पर हम एक थाली में खाते हैं। आप सब अलग अलग जातियों से? हाँ, एक जात के कोई नहीं है पर हम समझते नहीं भेदभाव। अच्छा, ये आप में कोई फर्क रहते हैं हम सारे? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन, मतलब किस किस समाज से लोग हैं? सैनी है, जाट है, ये हरिजन है, वो बाल्मीकि है, लास्ट में अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक जगह रहते हैं प्यार प्रेम से, और ये कटोरी में खाते हैं जी हम। तो महिलाओं पर कोई असर नहीं है इसका? कोई बच्चों का असर नहीं, कोई महिला का। चलिए, बहुत कोई जात बात नहीं है। तो मतलब देश की उम्मीद जो है महिलाओं से ही है, हमें आप ही लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप लोग सबसे कम आते हैं, आप ही को राजनीति में आना चाहिए। वही हमारा अच्छा काम करते हैं, उनके साथ है हमें, और कुछ नहीं, कोई जात बात नहीं है हमारी, सब एक हैं, एक जगह रहते हैं, यहाँ सब अलग अलग जाती है, अलग अलग जात है सबकी, सब इकट्ठे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत फ्रेंड्स कॉलोनी, मतलब नाम ठीक ही रखा है, फ्रेंड्स हैं जो सारे दोस्त ही है, परिवार जैसे रहते हैं सब, जात पात कुछ नहीं। ठीक है ताई, राम राम ताई, बैठ जाओ आपके साथ। हाँ बैठ जाओ। हाँ जी बताइए, खड़े खड़े थक गए जी। ताई बताइए, आप तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहा, किधर सोच रहे हैं इस बार वोट करने की? इधर ही सोच रहे हैं जी, ओम प्रकाश, कामरेड ओम प्रकाश। हाँ। क्यों अच्छे लग रहे हैं कामरेड? अच्छे है कामरेड, अच्छे हैं। हाँ, अच्छे जी। अच्छा ये बताइए ताई, आपके कितने बच्चे? मैं तो 4 बच्चे जी। पोता पोती भी? पोता पोती भी है। उनकी नौकरी की उम्र हो गई उनकी? हाँ, नौकरी आ रही है अभी। लग रही उनकी नौकरी की? नहीं जी, दिहाड़ी मजदूरी करन जी। अच्छा। हाँ। काम नहीं मिल रहा? ना कोई काम नहीं जी। और मजदूरी अगर कर रहे हैं तो? मजदूरी है करन जी, ये कोई मिल जाए जिधर। महंगाई की कितनी दिक्कत? महंगाई तो नहीं है जी, महंगाई का कोई ठिकाना है। तो ये बताइए, ये अशोक विहार की ये क्योंकि हमारे दर्शक हमसे पूछ लेंगे कि आपने तो वही महिलाएं बिठा दी हैं जो भाजपा विरोधी हैं, क्या ये अशोक विहार की आम महिलाओं का यही की यही राय है, या आपकी तो बातचीत होती होगी सबसे? यही राय है, कहीं जाके पूछ लो जी, यही है, यही राय है सबकी, अशोक विहार नहीं, फ्रेंड्स कॉलोनी, सॉरी फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, यही राय है। हाँ यही राय है, जिस किसी से पूछ लो जाके आगे, यही राय है। 5 बजे आते तो सब मिलते जी। हाँ, तो 5 बजे आते तो सब बाहर मिलते। अगले चुनाव में हम समय से आएंगे, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, बहुत देरी आपको भी कर दी, बस वो चुनाव के वक्त इतना हमारी भी भागदौड़ी हो जाती है। क्या उम्मीदें हैं आपकी, खासकर की महिलाएं होने के नाते, यहाँ पर नौजवान महिलाएं भी हैं, कामकाजी महिलाएं भी हैं, गृहिणी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, महिलाएं होने के नाते आप लोगों की क्या उम्मीद है, जो कोई भी सरकार आए, लेकिन कौन से अहम मुद्दे हैं जो आपको लगता है महिलाओं के लिए सरकारों को उठाने चाहिए? सर हमारे यही मुद्दे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, ठीक है, और शिक्षा है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसका स्तर अच्छा होना चाहिए। अब शिक्षा ऐसी आ रही है, बच्चे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, उन पर बर्डन इतना आता जा रहा है, तो रोजगार और शिक्षा चाहिए हमें अच्छी। और हमारे इधर कॉलोनी में क्या सर, पूरी भिवानी में पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीवरेज का पानी आ रहा है हमारे यहाँ पे, बच्चे बीमार हो जाते हैं उनको पी के, तो ये सारी चीज़ें चाहिए, अब की बार हमें बदलाव चाहिए सर। और कोई बताना चाहेंगे, मतलब क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जैसे मुद्दे हैं जी हमारे, तो यही मुद्दे हैं, हमारे यही मुद्दे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी
भिवानी शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी में है, यहाँ के महिलाओं की मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इतनी देर से हम आए, आप लोगों ने फिर भी हमारे लिए समय निकाला कि बहुत काम आपके भी होंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की असली तरक्की का मापदंड यही होता है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है। मुझे लगता है कि हमें लगता है CCA में, और इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि चुनाव के समय महिलाओं से ज़रूर बात करें, उनके क्या मुद्दे हैं, चाहे वो शहरी महिलाएं हों, ग्रामीण महिलाएं हों, वो गृहिणी हों, वो कामकाजी हों, चाहे उनकी बिजनेस हो, मजदूरी करती हों, किसी भी वर्ग की और किसी भी व्यवसाय की महिला हों, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके मुद्दे भी एक चुनावी जो एक डिस्कोर्स होता है, चुनावी बातचीत होता है, उसका हिस्सा बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के आंकड़े भी आए हैं कि महिलाएं और मर्द किस तरह से वोट कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। एक समय होता था कि जहां परिवार जाता था वहीं महिलाएं भी जाती थी, लेकिन अब महिलाएं भी स्वेच्छा अपने मन से कई बार वोट करने लगी हैं, जहां घर के उनके पति कहीं और वोट कर रहे होंगे और महिलाएं कहीं और वोट कर रही होंगी। तो उम्मीद है ये मुद्दे भी जो यहाँ पर बैठी बहनों ने उठाए थे, ये मुद्दे भी चुनावी मुद्दों का एक हिस्सा बनेंगे। जुड़े रहें अब CCA के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते।